क्या आपने कभी सोचा है कि 2050 की दुनिया कैसी होगी? शायद आपका जवाब होगा नहीं। तो आइए जानते हैं कि आखिर 2050 की दुनिया कैसी दिखेगी। 2050 तक हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन कर चुके होंगे। ये पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी से भरपूर हो जाएगी। माना जाए तो वैज्ञानिक इस धरती का स्वरूप ही बदल देंगे, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। और तो और 2050 तक ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जिसकी कल्पना शायद इंसान ने कभी की हो। और तो और दुनिया में ऐसे ऐसे रहस्य सामने आएंगे कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और मानव इतना आगे निकल जाएगा कि इसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में लोगों की जगह रोबोट ले सकते हैं? शायद अभी तक नहीं। तो आइए जानते हैं कि 2050 में रोबोट का क्या इतिहास होने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आने वाले समय में इंसान की डिमांड कम हो जाएगी और रोबोट की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे टेक्नोलॉजी से भरपूर रोबोट तैयार किए जा रहे हैं कि जो एक इंसान के अंदर काम करने की कैपेबिलिटी होती है ना, वही सब रोबोट के अंदर पैदा की जा रही है, जो कि हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को रोबोट आसानी से कर देगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब सुनने को आ रहा है कि 2050 में रोबोट बच्चा भी पैदा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 2050 तक रोबोट बच्चे भी पैदा करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर इंसानों का इस धरती पर क्या काम? तो मैं आपको बता दूं कि इंसान इस धरती पर ना कभी खत्म हुए थे और ना कभी होंगे। जैसे जैसे दुनिया बढ़ेगी, वैसे वैसे इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और इस बढ़ते पॉपुलेशन में दुनिया विनाश की ओर जा रही है। वर्तमान युग का कलयुग इतना गंदा हो चुका है कि इंसानों का इंसानों पर से ही भरोसा उठ चुका है। और सही मायने में तो इसको सेक्सी कलयुग ही कहना उचित होगा, क्योंकि भोग विलास की दुनिया में इंसान पूरी तरीके से डूब गया है। खुलेआम वैश्यावृत्ति का नंगा नाच इस युग में चल रहा है। अभी जो युग चल रहा है, अगर इसमें गंदे कामों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो उनको पढ़ने में 10 मिलियन साल का समय लग जाएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि आने वाला युग यानी 2050 तक इस दुनिया का क्या हाल होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। शायद आने वाले समय में रोबोट भी इन गंदे कामों का हिस्सा हो सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपका क्या कहना है इस आने वाली दुनिया के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।